हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुसर्रत, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी भी स्किन जो है ड्राई डिहाइड्रेट होती जा रही है और स्किन पर रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें जो ड्राई और डिहाइड्रेट स्किन को मिनटों में फिर से रिफ्रेश बना दे और स्किन पर जो है ग्लो भी आ जाए। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा क्विक सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ जो आपकी स्किन को 5 to 10 मिनट्स में ही ग्लोइंग बनाएगा, ठीक है। डार्क और डल स्किन को जो है क्लियर करेगा, फेयर करेगा और आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा। इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपको अपने घर से मिल जाएंगे, ठीक है। इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग होने वाली है, आपकी स्किन में शाइन आने वाली है, ठीक है। अगर आपको अचानक से कहीं जाना है तो फौरन से ये पैक बनाएं अपने घर में और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को एक लाइक लाजमी कर देना और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस हाइड्रेटिंग मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 teaspoon, ठीक है, दही, ठीक, योगर्ट जो होता है ना वो वाला। दही जो है हमारे पोर्स को डीप क्लीन करेगी और सन टैन को हमारे फेस से रिमूव करेगी और स्किन को क्लियर बनाएगी, क्लीन बनाएगी और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करेगी। सेकेंड चीज़ जो मैं इस मास्क को बनाने के लिए ले रही हूँ वो आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ, आप चाहो तो गुड़ भी ले सकते हो, आप चाहो तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हो। जितनी हमने दही ली थी उतनी ही क्वांटिटी में हम ले लेंगे अपना गुड़, या खांड जो होती है वो भी गुड़ की होती है, या वो ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें इस गुड़ में जो है ब्राउन शुगर में गुड़ में जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि हमारी डेड लेयर को जो है ना स्किन की डेड लेयर को एकदम से हमारी स्किन से हटाकर हमारी स्किन को क्लियर बना देता है और ये न्यू स्किन को बाहर लेकर आता है। आपको हाइलाइटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह अगर आप ये पैक जो है लगा लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ब्राउन शुगर भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है, तो आप सिंपल जो है चीनी भी ले सकते हैं, पर जो इनके रिजल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत मतलब एकदम से आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी अगर आप गुड़ या ब्राउन शुगर ले लेंगे, वरना चीनी भी मतलब चल जाएगी। गुड़ हमारी स्किन को जो है स्क्रब करेगा, ठीक है, और हमारी स्किन को एकदम से बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। आप इसमें जो है आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल है तो आप वो दो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप विटामिन ई का ऑयल है तो भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है, बादाम का तेल डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं। यहाँ मैं आमंड ऑयल, बादाम का तेल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये भी हम 1 teaspoon ही लेंगे। ये सारे जो मैंने आपको ऑयल्स बताए हैं ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये हमारी स्किन को जो हमारी स्किन पर जो विटामिन ई की कमी होती है वो उसको ये सारे ऑयल जो हैं पूरा करते हैं। इनमें से आपका कोई भी एक ऑयल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन पर जो है नेचुरल ग्लो आता है इन ऑयल से, ठीक है, और फाइन लाइंस और रिंकल्स भी खत्म होती हैं। बादाम का तेल तो वैसे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। लास्ट चीज़ जो मैं अपने पैक में ले रही हूँ वो है ड्राई मिल्क, ठीक है। ये हमारी स्किन को क्लियर करेगा, स्क्रब करेगा हमारी स्किन पर, और हमारी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स और डार्क पैचेस हो जाते हैं ना ब्राउन, उनको भी ये ख़त्म करेगा। अब इन सबको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी अपने पैक में, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो ये हमारा हाइड्रेटिंग मास्क जो है स्किन के लिए, फेस के लिए रेडी है। आप इसको चाहें तो हाथों और पैरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। चले तो फिर अब लगाते हैं इसको अपने फेस पर। इसको लेकर मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब इसको 5 मिनट के लिए अपनी स्किन पर ऐसे ही लगाकर छोड़ दूंगी। पूरे स्किन पर अच्छे से मास्क लग चुका है, ठीक है, हमारे पूरे फेस पर लग गया है। अब जो है हम इसको ड्राई होने देंगे। फेस मास्क जो है हमारी स्किन पर बहुत अच्छे से लग गया है, ठीक है, अब हम इसको ड्राई होने देंगे। और जैसे ही अब हम थोड़ा सा पानी लेकर अपने फेस को अच्छे से मसाज करेंगे। ऊपर की डायरेक्शन में आपने फेस को मसाज करना है। मसाज से बहुत अच्छा ग्लो आता है आपकी स्किन पे। जैसे जैसे आप मसाज करेंगे आपको नज़र आएगा कितना प्यारा ग्लो आ गया है स्किन पे और हाइड्रेट हो गई है। गीला कपड़ा या टिश्यू लेके अपने फेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए और आधे घंटे बाद हमने फेस धोना है। फेस को कर लिया है मैंने वॉश, उसके बाद मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है और बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो गई है। अब इसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें अपनी स्किन पर।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक लाजमी कर देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।